के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के नर्सिंग कर्मी इन दिनों आंदोलन कर अपनी मांगों को पूरा करवाने में लगे हैं। सोमवार रात को नर्सिंग एसोसिएशन ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जाहिर किया। नर्सिंग कर्मियों ने बताया कि नर्सिंग ग्रेड सेकंड का पद नाम हटाकर नर्सिंग ऑफिसर किया जाए, कर्मचारियों को स्थायी किया जाए और वर्दी भत्ते की राशि को बढ़ाया जाए। साथ ही अस्पताल में प्रशासन की लापरवाही के चलते फैली गंदगी के सफाई का कार्य नियमित किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर अस्पताल से बजरंगगढ़ तक कैंडल मार्च कर विरोध प्रदर्शन किया। विगत 3 वर्षों से और उससे भी ज्यादा समय से कुछ मांगे नर्सिंग कर्मी नियमित तौर से सरकार से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इस तरफ आश्वासन के अलावा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। हमारी 21 सूत्रीय मांगों के लेकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय, उसमें से कुछ स्थानीय स्तर की और कुछ प्रादेशिक स्तर की मांगे हैं, जिनमें से प्रमुख तौर पे चिकित्सालय प्रशासन द्वारा नर्सिंग कर्मियों के खिलाफ नियम विरुद्ध तरीके से की जा रही दमनात्मक कार्यवाही, तानाशाही, इनको रुकवाने और नर्सिंग अधीक्षक कार्यालय बनवाने, क्रेच का निर्माण करवाने, यूटीबी नर्सेज साथी जो प्रदेश में अस्थायी है उनकी भर्ती प्रक्रिया सरकार ने रोक रखी है उसको जल्दी शुरू करवा कर आचार संहिता लगने से पहले नियमितीकरण करवाने सहित 21 सूत्रीय मांगे हैं। इनमें से दूसरी और प्रमुख मांगे जैसे कि नर्स ग्रेड प्रथम को कुछ प्रशासनिक पावर अधिकार दिलवाने और चिकित्सालय परिसर में चतुर्श्रेणी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड जो अभी चिकित्सालय के भौतिक परिसर को देखते हुए वे एक तिहाई भी पर्याप्त नहीं है, उनकी संख्या 3 गुना बढ़ाकर 30% लीव रिजर्व बढ़ाने सहित कई मुख्य मांगे हैं। इनको लेकर हमने आज से आंदोलन का आगाज किया है। आज स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।